Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. Zid se jeet tak. Hi everyone. बच्चे आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में. आरबीआई एक ना प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है. आरबीआई जो काम करता है उसमें से आरबीआई अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, राइट. एंड आरबीआई एक्ट के तहत ही इट इज़ मैंडेटेड टू ट्रांसफर इट्स प्रॉफिट्स, राइट, आफ्टर कीपिंग जो अब सेफ उसके लिए उन्हें रखना है, ऑपरेशन के लिए, कंटिजेंसी के लिए रख के जो आपका एक्स्ट्रा बचा हुई मनी है जिसको प्योर प्रॉफिट कहेंगे हम, इट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. तो रिसेंटली आरबीआई ने ऐसा एक ट्रांसफर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किया है. हमारे इस टॉपिक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा फ्रेमवर्क है, वो कौन से लॉज हैं, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आरबीआई ऐसी पर्टिकुलर चीज जो है वो करता है, राइट. आइए बच्चे देखते हैं क्या न्यूज में आया है. इट इज कॉल्ड ECF, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो कि आपका आरबीआई का, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं, सरप्लस जो है वो ये है. आरबीआई बोर्ड अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ अ रिकॉर्ड 2,10,874.874 करोड़ सरप्लस टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल ईयर 23-24. ठीक है, इतना आरबीआई सरप्लस में है, राइट. अब हम देखते हैं कि इस ट्रांसफर का इंपैक्ट क्या है. हालांकि जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आई है ना, इसमें दो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको यही मिल गई हैं. पहला कि आरबीआई किस फ्रेमवर्क के तहत आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो आपका पैसा ट्रांसफर करता है, अपना सरप्लस ट्रांसफर करता है, उसका आंसर बनेगा ECF, विच इज़ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई उनको पैसा ट्रांसफर करता है, राइट. दूसरा सवाल बनेगा कि इससे होगा क्या, है ना. अब देख लेते हैं इससे होगा क्या. ये भी वैसे प्री के सवाल ही बनते हैं, मेंस में इस टाइप की चीज़ पहुँचती नहीं है. द सब्सटेंशियल सरप्लस ट्रांसफर इज एक्सपेक्टेड टू एड द सेंट्रल फिस्कल कंसोलिडेशन एफर्ट्स. इतना सारा पैसा अगर घर से ही आ रहा है ना, तो आपके लोन वोन आप थोड़ा फिजिकली कंसोलिडेट हो जाओगे. दिस विल ऑल्सो हेल्प टू कीप द फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोग्राम ऑन ट्रैक. ठीक है, फिक्स भी होगा और आगे जाके जो उसमें है ट्रैक आपका जो है ऑन ट्रैक रहेगा. प्लस आपके और भी दिमाग में आ रहे होंगे कि आपका जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है वो डिक्रीज होगा क्योंकि इनकम आ गई है वो, राइट. आपकी पॉलिसीज जो है वो प्रूडेंट हो जाएंगी थोड़ी सी, और आप थोड़ा सा गवर्नमेंट रिस्क टेक ज़्यादा रिस्क लेके जो है एक्शंस ले सकती हैं, राइट. और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको पता ही है, फाइनेंसिस के अंदर, कैपिटल के अंदर रिस्क इज ऑलवेज देयर, और रिस्क के बिना आपकी ग्रोथ होती नहीं है, पॉसिबल नहीं है, राइट. आगे देखते हैं बच्चे. द सरप्लस वॉज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस ऑन ECF. ठीक है, तो कैलकुलेशंस आपकी ECF के ऊपर बेस्ड होती हैं, राइट. सो ये पर्टिकुलर चीज है ECF. आइए बच्चे आगे देखते हैं. अब मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने सरप्लस दिया, अब आरबीआई कमाता कैसे है पैसे, है ना, वो देख लेते हैं. आइए बच्चे, ये 5 तरीके हैं जिससे आरबीआई जो है बेसिकली पैसा कमाता है. एक एक करके सारी चीज देखते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, आरबीआई अर्न्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इट होल्ड्स. सिक्योरिटी गवर्नमेंट की है, होल्ड ये कर रहा है. ठीक है, तो टेक्निकली ये भी किसी और बैंक की तरह बिहेव कर रहा है, सरकार की सिक्योरिटी ले रहा है. ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है आरबीआई को आ रहा है, एंड हेंस आरबीआई इज अर्निंग मनी फ्रॉम दैट, है ना. हालांकि वो अर्न एक्स्ट्रा मनी अर्न करके वो सरकार को ही दे रहा है वापस, बट दिस इज हाउ इट अर्न्स, राइट. फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस. ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व का जो आपका संभाल के रखने वाली चीज है, दैट इज हेल्ड विद द आरबीआई. ये आरबीआई देखता है ये फॉरेक्स रिजर्व्स वाला जितना भी चीज है. प्रॉफिट्स फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेक्स विच हेल्प्स मैनेज द एक्सचेंज रेट एंड स्टेबलाइज द करेंसी. तीसरा क्या है, लेंडिंग टू बैंक्स, राइट. ये तो आपको पता ही है कि रेपो रेट पे वो बैंक्स को लोन देता है, रिवर्स रेपो रेट पे वापस उठा लेता है. उन दोनों में अंतर है थोड़ा सा, उसके अंतर पे भी आरबीआई पैसा कमाता है. इसके अलावा अदर फैसिलिटीज, MSF, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज भी उसके पास में है जिसकी मदद से आपका जो आरबीआई है वो पैसा अर्न करता है. मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ठीक है, ये देखिए, ये फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस है, ये मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज यूजिंग इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो आपके पास में अगर पैसा आ गया, जैसे बेसिकली जब आप FD कराते हैं, जो बैंक भी इधर उधर लगा देता है ना पैसा आपका आप प्रोविडेंट फंड में देते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता रहता है, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता रहता है, लेकिन पैसा कहीं कहीं शिफ्ट हुआ होता है कि इधर से आएगा उधर से आएगा, चल गया होता है कहीं ना कहीं, राइट. हैंस वो वहाँ से अर्न करके आता है और आपको इंटरेस्ट में पेमेंट दी जाती है.
सेम यहाँ पे भी कुछ इस टाइप की ही यहाँ पे बात है, राइट। इसके अलावा वी हैव फी बेस्ड सर्विसेज, है ना, इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज मैनेजिंग द गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू द बैंकिंग सेक्टर, जो भी है आरबीआई अपना थोड़ी बहुत जो फीस है वो भी रखेगा। एंड दीज आर द फाइव मेथड्स थ्रू विच आरबीआई अर्न्स मनी, जिसका सरप्लस ईसीएफ के थ्रू वो आगे ट्रांसफर करता है। ईसीएफ क्या चीज़ है बच्चे? सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ईसीएफ प्रोवाइड्स अ मेथडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजन एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे चलते बच्चे, एज पर द प्रोविजन सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू पे द बैलेंस ऑफ इट्स, एज पर द प्रोविजन कौन सा, दिस वन, द सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू पे द बैलेंस ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन इन एसेट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टाफ, अपना मतलब घर चलाने के बाद बच गया, एक्स्ट्रा ही है ये, अगर नहीं आप लेके जाओगे तो ये पड़ा ही है, राइट। तो वो वाला ये सरप्लस की बात हो रही है यहाँ पे। ओल्ड ईसीएफ में क्या था, वॉज डेवलप्ड इन द 2014-15 और 15-16 में ऑपरेशनलाइज आया था, इन ऑर्डर टू प्रपोज अ सूटेबल सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आरबीआई हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी अंडर डॉक्टर बिमल जलन। ये भी आपके लिए आएगा कि ईसीएफ, जो न्यू ईसीएफ, उसको ईसीएफ बोलते हैं, उसको ओल्ड ईसीएफ बोलते हैं, तो जो आपका ईसीएफ है, राइट, ये किस कमेटी के थ्रू रिकमेंडेड था, दैट इज डॉक्टर बिमल जलन। ये आपका जो अगेन एक जो है आपका प्रीलिम्स का जो पॉइंट है बच्चे वो देखने को मिलता है। और रिवाइज्ड ईसीएफ जो है वो कब आया आपका, लागू हुआ, अडॉप्टेड ऑन अगस्त 26, 2019, राइट, एज पर दी रिकमेंडेशंस ऑफ बिमल जलन कमेटी, है ना। और दिस फ्रेमवर्क मे बी रिव्यूड आफ्टर, मे बी होएगा नहीं, मे बी ही कहा जा सकता है, राइट, आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स। अब ये देख लिया व्हाट इज द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ द रिवाइज्ड ईसीएफ बच्चे। यहाँ ना मैंने आपको कंटिंजेंसी रिस्क बफर, इसके अलावा टोटल इकोनॉमिकल कैपिटल कितना मेंटेन होना चाहिए, राइट, आप ये सारी चीज़ें सीआरबी वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। वीडियो में इतना टाइम नहीं है बच्चे कि आपको मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और इसमें कुछ समझने वाला है भी नहीं, याद करने वाली चीज़ें हैं कि रेंज कितनी है उसकी, राइट, और मेंटेन कितने पे रखना है, टोटल इकोनॉमिकल कैपिटल, है ना, इकोनॉमिक कैपिटल कितना रखना है, इस टाइप की चीज़ें हैं, यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, है ना, राइट, एंड दैट इज ऑल, राइट, फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7 मिनट टू द पॉइंट सीरीज इज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू, प्लीज चेक आउट अभिमन्यु आईएएस करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इट इज बेस्ड ऑन त्रिशूल मॉडल। यू विल बी गेटिंग 3 things: number 1, वीकली क्लासेस; number 2, वीकली PDFs ऑफ करंट अफेयर्स; number 3, वीकली टेस्ट ऑन करंट अफेयर्स। द लिंक टू ज्वाइन द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जिद से जीत तक, एंड इफ यू आर जिद्दी इनफ, सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। दिस टेलर मेड करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स इज इनफ for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.